चलते हैं, देखो इसमें दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। देखो जो डर्ट है वो डिजॉल्व नहीं होगा पानी में, डर्ट जो है, एक मिनट, जो डर्ट है वो डिजॉल्व नहीं होगी वाटर में, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात आई, अब स्टूडेंट तीसरा पॉइंट देखिए। अब तीसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपको लिखना है, जब आपको सोप की सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस पूछने को आएगा तो आप ये लिखेंगे। सोप क्या होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ सोप, जो सोप का मॉलिक्यूल होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, और किसकी चेन होती है लॉन्ग चेन, कार्बोऑक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है। देखो इसमें ध्यान सुनना, जब सोप की डेफिनेशन, देखो सोप क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जो सोप के होते हैं वो कैसे होते हैं, ध्यान से सुनो, एक मिनट, यस, तो सोप का मॉलिक्यूल होता है वो सोडियम और पोटेशियम की लंबी कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है, ठीक है। किसकी किसकी, देखो मैं लिख देती हूँ, सोप से आप याद रखोगे ये होता है सोडियम यानी Na प्लस पोटेशियम, ठीक है, यानी K, ठीक है, सोडियम प्लस पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं दोनों, ठीक है, सॉल्ट्स हैं, किसकी सॉल्ट हैं, ध्यान से देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लॉन्ग लिख दूँ, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या फिर लॉन्ग चेन ना लिखूँ, ठीक है, लॉन्ग चेन हटा देती हूँ। देखो किसकी लॉन्ग चेन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की, यहाँ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, राइट, हो रही है बात क्लियर, किसको समझ नहीं आई। देखो ये सोप है, सोप क्या होता है, ये मॉलिक्यूल, जो सोप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, जो कि लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, सोडियम प्लस पोटेशियम, इसका मतलब ये नहीं है कि सोडियम पोटेशियम दोनों, या सोडियम हो सकता है फिर पोटेशियम, या प्लस न लगा करके मेरे को लगाना चाहिए था, एक मिनट, और राइट, देखो ये और है, राइट, स्टूडेंट एक बार देखो, सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, किसके होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन के,